नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का 16वां प्रश्न हम कर रहे हैं। प्रश्न है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों, आइए हम आकृति के द्वारा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, यह है धरती। मान लेते हैं कि यह एक मीनार है। ठीक है बच्चों, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, इसके आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु। ठीक है बच्चों, इन बिंदुओं से ये जो पहला उन्नयन कोण होगा और यह जो दूसरा उन्नयन कोण होगा, ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण बच्चों वो होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं पहला जो कोण है वह है थीटा, तो दूसरा जो कोण होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, मीनार का नाम रख देते हैं ए बी, इस बिंदु को ले लो सी और इस बिंदु को ले लो डी। तो हम यहां लिखेंगे, मान लो ए बी एक मीनार है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को आगे हल करके देखते हैं। तो बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, यह वाला त्रिभुज। देखो इसमें टैन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा बेस, क्योंकि टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। मान लो मीनार की जो ऊंचाई है वह है एच, ठीक है, बराबर एच मीटर। तो परपेंडिकुलर यानी मीनार की ऊंचाई होगी एच मीटर बटा बेस, बेस है बी सी। और हमें पता है कि इस बिंदु से यह जो सी बिंदु की दूरी थी यह थी 4 मीटर, और इसी बिंदु से यह पूरी जो दूरी थी 9 मीटर थी। इसका मतलब यह पूरी दूरी 9 मीटर है। तो बीसी कितना है 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए टैन थीटा, थीटा कितना है नहीं पता हमें, तो इसको टैन थीटा ही रहने देते हैं। टैन थीटा बराबर एच बटा 4, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, अब जो थीटा है वह थीटा की जगह बन गया एंगल जो है उन्नयन कोण, अब बन गया 90 माइनस थीटा। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा बेस, और इस बड़े वाले त्रिभुज में परपेंडिकुलर है एच बटा बेस है यह पूरा बीसी, यानी कि 9 मीटर। अब बच्चों आप जानते हैं टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यह आ गया एच बटा 9 के बराबर, और कॉट थीटा जो होता है वह होता है 1 बटा टैन थीटा, यह आ गया h बटा 9 के बराबर। ठीक है बच्चों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h गुना tan थीटा बराबर आ जाएगा 9 गुना 1 9 के, तो यहां से tan थीटा आ जाएगा 9 बटा h के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में टैन थीटा है h बटा 4, इक्वेशन 2 में टैन थीटा है 9 बटा h। तो ये भी टैन थीटा है, ये भी टैन थीटा है, तो राइट साइड भी बराबर होगी h बटा 4
बराबर होगा 9 बटा एच के, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एच गुना एच हो गया एच स्क्वायर, बराबर 4 गुना 9 हो गया। आइए हम इसे आगे हल करते हैं, एच स्क्वायर बराबर है 9 चौके 36 के, तो बच्चों एच किसके बराबर होगा, रूट 36 के, एच आ जाएगा प्लस माइनस 6 मीटर। अब बच्चों किसी भी चीज की ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए एच हो गया 6 मीटर। एच क्या है बच्चों, हमें पूछा गया था सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो एच आ गया है 6 मीटर। तो हम लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। तो बच्चों देखिए, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि कहीं से भी आपको प्रश्न ना समझ आया हो तो आप पीछे जाकर वीडियो को दोबारा चलाकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर बाकी वीडियोस देखकर अन्य प्रश्नों को भी अच्छे से समझ सकते हैं और उन्हें अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।